हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे गुमनामी के फिल्म के बारे में, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। उसका हम थोड़ा बहुत ट्रेलर देखेंगे और थोड़ी बहुत यहाँ पे मैं डिटेल में जानकारी दूंगा कि एक्चुअल में वो फिल्म क्या दिखाना चाहती है, क्या दर्शाना चाहती है, डायरेक्टर का इसके पीछे क्या मकसद है और क्या कॉन्ट्रोवर्सी चलते आ रही है इस फिल्म के साथ। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो चालू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बाबा, इसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसका मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको ट्रेलर रिएक्शन भी दूंगा। उसके पहले हम जानते हैं इस फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत कि ये गुमनामी बाबा फिल्म क्या दर्शाने वाली है। ये सुभाष चंद्र बोस जी के लाइफ के ऊपर बताने जा रही है, जो कि 1945 में जहाँ पे प्लेन क्रैश से एक्सीडेंट हो चुका था, सुभाष चंद्र बोस की जी की डेथ हो गई थी एक तरह से। तो उसके बाद ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी चलती है। इस फिल्म की पूरी स्टोरी वहां से ही चालू होती है कि भाई कि वो एक एक्सीडेंट में ना मरते हुए, प्लेन क्रैश में ना मरते हुए, वो उसके बाद भी जिंदा थे, जो कि गुमनामी बाबा नाम से उत्तर प्रदेश में रहते आ रहे थे 1975 या 1980 तक। वो दिखे थे हमें 75 में दिखे थे और 80 तक जिंदा रहे थे 1980 तक। तो यही कहानी वो दर्शाती है कि कैसे वो गुमनामी बाबा, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी है, एक कहानी वहाँ पे बताई गई है कि जो प्लेन क्रैश से पहले वाली कहानी है, उनकी मृत्यु के पहले की और उनके मृत्यु के बाद की। तो ये क्या चीज़ें हैं और सारी क्या डिटेल्स है, यही इस फिल्म में हमें देखने मिलने वाला है। और ऊपर से इसके ऊपर लीगल केस भी चलते आ रहा है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी के जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी बोला है कि ये फिल्म उनके जीवन के ऊपर ना बनते हुए एक बुक है, एक किताब है, उसके ऊपर बनाई जा रही है, जो कि ठीक तो बात नहीं है, मोड़ तोड़ के बताई जा रही है, ऐसा उन लोगों का कहना है। बट डायरेक्टर से बात की गई तो डायरेक्टर ने बोला कि नहीं, ये हमें हमारे पास तथ्य है, कुछ प्रूफ है, उसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो एक तरह से उसके ऊपर केस भी चली थी, केस भी फाइल हुई थी कि भाई ये एक्चुअल में सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा थे, जो कि गुमनामी बाबा का तो बाद में उन्होंने धारणा कर ली, एक तरह से वेशभूषा चेंज करके वो गुमनामी बाबा नाम से रह रहे थे। ये कुछ एविडेंस हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगी और वो क्या चीज़ है और वो क्यों हमारे सामने नहीं आई और बाकी सारी चीज़ें, कंट्रोवर्सी क्या चली, वो सारी चीज़ें हमें इस फिल्म में नज़र आने वाली है एक तरह से, जो कि है गुमनामी फिल्म में एक तरह से पूरी तरह से हमें नज़र आ रही है। और जब उसके बाद सारी चीज़ें हुई उनके ऊपर, यानी एक तरह से मुकदमा चला, हाई कमीशन में बैठक हुई, कोर्ट के ऊपर भी बताया गया, बट वहाँ पे कुछ एविडेंस थोड़े बहुत कम ज़्यादा होने की वजह से वो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि भाई गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस जी है, ये प्रूफ नहीं हो पाया था उस टाइम पे। 6 साल तक ये पूरा कमीशन में साथ बैठक चली थी, जो कि इसके M.K. मुखर्जी करके जो एक तरह से जज थे, एक्स जज यानी एक तरह से बोल दिया जाता है, उनके रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने ये केस चालू किया था कि भाई कुछ तथ्यों को देखते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। तो यही सारी चीज़ें इस फिल्म में हमें नज़र आने वाली है। तो अब देखते हैं इसका ट्रेलर और ट्रेलर रिएक्शन दूंगा कि ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा औसम है, मैंने ऑलरेडी देख लिया है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको, थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि गणेश चतुर्थी है, बहुत ज़्यादा हंगामा होता है इस वजह से। तो अभी हम करते हैं इसका ट्रेलर रिएक्शन, तो चलिए देखते हैं गुमनामी का ट्रेलर। Hmm.
जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। क्या पानी पिएंगे? मुझे पानी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ। आप इसे एक पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं मिस्टर थर। कौन सी पार्टी के सदस्य हैं आप? मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं मिस्टर पॉल, आजाद हिंद फौज का सिपाही हूं। नाम तो सुना ही होगा आपने, या कोई दूसरा कमीशन चाहते हैं आप? जिंदगी है काम की तो काम पे लुटाए जा, कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है काम की तो काम पे लुटाए जा। जी हाँ दोस्तों, ये बंगाली फिल्म है, जैसे आपने सुना भी है, देखा भी है। इसका पहले बंगाली में ट्रेलर आया था और कुछ दिनों बाद इसका हिंदी ट्रेलर हमारे सामने आया, जो कि ये रहा। बहुत ही अच्छा ट्रेलर है। उसमें जो एम के मुखर्जी ने, जिन्होंने ये कमीशन बिठाई थी, जिन्होंने इस ये सारे मुद्दे को उठाया था, उनके ही ऊपर, यानी उन्होंने जो सारी चीज़ें, जो तथ्य रखे थे, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी फिल्म बेस्ड रहने वाली है। बट एक बात मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि 2016 में जो कि 64 डी क्लासीफाइड फाइल्स थे, जो कि इसी कमीशन से चलते आ रहे थे, और गुमनामी बाबा जो थे उनके ऊपर भी कुछ चले, यानी कि 1975 में वो जब मिले तो वो वाकई में वो थे या और कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी ही थे या और कोई था, ये भी सारे एविडेंस इस फिल्म में हमें दिखाई दे रहे हैं। और डी क्लासीफाइड जो 64 फाइल्स थे, उसमें से कुछ फाइल्स हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने सबके सामने ले ली, पब्लिकली वो अभी अवेलेबल है, आप देख सकते हो, कुछ वेबसाइट्स पे अवेलेबल है आई गेस। उन्होंने पब्लिश कर दिया था उसके जो एविडेंस है, बाकी सारी फाइलें थी। तो मुझे लगता है कि वो सारे तथ्यों को जान के, और वो सारे जो कमीशन बिठाई थी उसके ऊपर क्या हुआ था, उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ये पूरी की पूरी उन्होंने फिल्म बनाई है एक तरह से। बट यहाँ पे जो रिश्तेदार है, जो कि उनके ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन बोला गया है, वो जो ग्रैंडसन है, उन्होंने भी बोला कि एक न्यूज़ चैनल में भी उन्होंने रिपोर्ट किया, जारी किया कि भाई ये हमारे उनके जीवन के ऊपर नहीं है एक्चुअली, इन्होंने ऐसे कुछ तथ्यों को तोड़ मरोड़ के बनाने की कोशिश की है जिससे पैसा मिले उनको और बाकी सारी चीज़ें हुए, इस तरह से वो बोलते आ रहे थे। वो न्यूज़ चैनल में भी हम लोगों ने देखा कुछ दिनों पहले ही, और अभी भी वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप जाके वो उनका इंटरव्यू देख सकते हो। ओवरऑल ये फिल्म उन्हीं तथ्यों के ऊपर है। बट एक बात यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि अभी तक हम लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में उस रशिया के जो प्लेन क्रैश हुआ था रशिया में, उसमें हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे भी या नहीं, या उनकी डेथ कैसे हुई, ये तो अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। कोई सबूत नहीं मिले, कोई एविडेंस नहीं है किसी के पास, तो ये तो प्रूफ नहीं कर सकता कोई कि भाई वो जिंदा थे या उस प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई एक तरह से। तो यही सारी डिटेल्स मैंने आपको गुमनामी के फिल्म के बारे में बताया, और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी मैंने यहाँ पे। तो आपको कैसी लगी, और आपको इस केस के बारे में, इस डिटेल्स के बारे में कुछ और जानकारी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे पास तो इतनी जानकारी थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी पूरी की पूरी। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल को, लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, डिटेल्स, अपडेट, सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो बने रहिए, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले अपडेट में, अलविदा।